सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माई इग्नोर सॉल्यूशन में। एंड मैं प्रेरणा सिंह आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी BPAC 104 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। सो स्टूडेंट्स, इसके फ्री सॉल्व असाइनमेंट है 26 तक के लिए, और जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया है, ये असाइनमेंट केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर आपको इन असाइनमेंट का PDF चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, कांटेक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अदरवाइज जब मैं आपको सॉल्व असाइनमेंट दिखाऊं तो आप वीडियो को पॉज करके आप उन असाइनमेंट को नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आने वाली वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को बजाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं अपने फ्री सॉल्व असाइनमेंट। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, BPAC 104 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। सो स्टूडेंट्स, आपके जो असाइनमेंट होते हैं वो आपके टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। 100 मार्क्स में से आपको आपके असाइनमेंट पे मार्क्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपके असाइनमेंट है वो तीन सेक्शंस में डिवाइडेड है। ये देखिए, असाइनमेंट ए, असाइनमेंट बी एंड लास्ट है आपका असाइनमेंट सी। सो फर्स्टली मैं आपके साथ असाइनमेंट ए के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी कि आपको असाइनमेंट ए में दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और उनके आंसर आपको 500 वर्ड्स में देने हैं, और दोनों ही क्वेश्चंस आपके 20-20 मार्क्स के हैं। ओके, एंड नेक्स्ट सेक्शन है आपका असाइनमेंट बी। असाइनमेंट बी में आपको टोटल 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और ये तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर आपको 250 वर्ड्स में आपको देने हैं। तो ये तीनों ही क्वेश्चंस आपके 10-10 मार्क्स के हैं। एंड द लास्ट सेक्शन है आपका असाइनमेंट सी। असाइनमेंट सी में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और इनके आंसर आपको 100 वर्ड्स में देने हैं और ये आपके 6-6 मार्क्स के हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको सभी क्वेश्चंस को आपको अटैम्प्ट करना है, कोई सा भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते। एंड जितनी आपको वर्ड लिमिट बोली गई है उतनी ही वर्ड लिमिट में अपने आंसर को एक्सप्लेन करें, बेस्ट कंटेंट दें। एंड क्वेश्चन को आपको अपने केयरफुली पढ़ना है, जो क्वेश्चन में बोला गया है उसी से रिलेटेड अपने आंसर को आप राइट करें। और क्वेश्चन से बाहर आप कोई सा भी टॉपिक ना लिखें, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन से बाहर कोई भी टॉपिक लिखते हो जो आपसे बोला ही नहीं गया है क्वेश्चन में, तो आपके उसमें क्या होते हैं मार्क्स जो होते हैं वो आपके कट जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे चलते हैं और देखते हैं कैसे हमने अपने आंसर्स को सॉल्व करा है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली मैं आपके साथ असाइनमेंट ए की जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आपको बोला गया है, असाइनमेंट ए में जो आपकी दो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको 500 वर्ड्स में देने हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, डिस्कस द रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक्सप्लेन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। यहाँ से आपका असाइनमेंट भी आपका स्टार्ट होता है और इनके आंसर आपको 250 वर्ड्स में देने हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एंड क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक्समाइन द रिलेशंस बिटवीन स्टेट एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन।
लास्ट है आपका सेक्शन असाइनमेंट सी, जिनके आंसर आपको 100 वर्ड्स में देने हैं। ये देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 है। एंड देन आपको क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस द मेजर रीजंस टू एस्टेब्लिश ग्राम न्यायालयस। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेशंस ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, एंड देन आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सो स्टूडेंट्स, यहीं पे आपकी जो असाइनमेंट है वो आपके कंप्लीट होते हैं, और अगर आपको इन असाइनमेंट का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, एंड अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट के असाइनमेंट चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, एंड अदरवाइज जैसे कि मैंने अभी आपको सॉल्यूशंस दिखाए हैं इन असाइनमेंट के, तो आप वीडियो को पॉज करके आप इन असाइनमेंट को नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा BPAC 104 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के फ्री सॉल्व असाइनमेंट बेसिक किस तक के लिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को बजाना ना भूलें।